अपेक्षा भानुप्रिय। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भोपाल से दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। उसके बाद से ये चर्चाएं हो रही थी कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की ये बात शिवराज सिंह चौहान ने भिंड के डिंडी गांव में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के आग्रह के बावजूद वे लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पत्नी साधना सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि ये जरूर कहा कि पार्टी नेतृत्व कहेगा तो वो मैदान में उतर सकते हैं। शिवराज ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एनडीए के घटक दलों की सीटों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो ये आंकड़ा 300 से ऊपर पहुंचता है। मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को 17 लोकसभा सीटों पर बहुमत था और कांग्रेस को 12 पर। हम जोड़ तोड़ से सरकार बनाना चाहते तो बना सकते थे। कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक विधायक हमारे संपर्क में थे। हमारी पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम विपक्ष में बैठे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।